अंकिता बैद्य हूँ, कंसल्टेंट इन्फेक्शियस डिजीजेज एट मणिपाल हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। अभी जो रिसेंट कोविड का जो सेकेंड वेव है, जिसका हम काफ़ी स्पर्ट ऑफ केसेस देख रहे हैं, काफ़ी लोग बीमार पड़ रहे हैं कोविड के इस न्यू स्ट्रेन से, इसके बारे में मैं अपने इस वीडियो में आपसे बात करने चाह रही हूँ। तो पहली चीज़ है, इस सेकेंड वेव में हमें काफ़ी ऐसे लोग देखने को मिल रहे हैं जिनको पहले भी कोविड का इन्फेक्शन हो चुका है पिछले साल भी, और अब वापस वो कोविड इन्फेक्शन के साथ बीमार होकर हमारे पास आ रहे हैं। ऐसे लोग भी मिल रहे हैं जो वैक्सीनेटेड हैं और कोविड इन्फेक्शन हो चुका है, उनको डिजीज़ सिम्टम्स आ रहे हैं, कुछ लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत भी पड़ रही है। सो इसका इम्पोर्टेंस ये हमें समझना है कि जो वायरस है, कोविड का ये वायरस है, ये म्यूटेटेड वायरस है, जो जिसके अगेंस्ट जो आपकी पुरानी एंटीबॉडी थी, हो सकता है वैक्सीन रिलेटेड भी या पुराने इन्फेक्शन वाली भी, वो प्रोटेक्टिव ना हो आपके लिए। सो मेरा मेन मोटिव ये है कि आपको सतर्क करना कि आप अगर वैक्सीनेटेड हैं या अगर आप पुराना इन्फेक्शन हो चुका है कोविड से, फिर भी आप जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो कंटिन्यू रखेंगे। बेसिक सीधे शब्दों में अगर मैं बताऊँ तो पहली चीज़ ये है कि आप हमेशा मास्क लगा के ही बाहर निकलें। दूसरी चीज़ ये है कि ज़रूरत ना हो तो बाहर बिल्कुल ना निकलें, घर में ही रहें और सुरक्षित रहें। तीसरी चीज़ ये है कि कोई भी गैदरिंग में जाने से बचें, और अगर किसी के भी संपर्क में आप आते हैं तो उसे 2 मीटर की दूरी से ही बात करनी है आपको, जिसको हम सोशल डिस्टेंसिंग का नाम कहते हैं। सो ये सारी चीज़ें अगर हम फॉलो करते हैं तो इस कोविड के सेकेंड वेव में जो कोविड वायरस का इन्फेक्शन है, इससे हम बच सकते हैं। लक्षण भी जो कोविड वायरस का इस बार ही देखने को मिल रहा है, वो पुराने वायरस से थोड़ा डिफरेंट है। इसमें हम काफ़ी सारे पेशेंट्स ऐसे आ रहे हैं हमारे पास जिसको पेट के लक्षण आ रहे हैं, जैसे कि दस्त लगना, पेट में दर्द होना या भारीपन लगना, कुछ लोग कॉन्स्टिपेशन के साथ भी आ रहे हैं, गैस या वॉमिटिंग के साथ भी आ रहे हैं, हल्का बुखार होना, सोर थ्रोट, खांसी और नज़ला जुकाम, ये भी देखने को मिल रहा है। कुछ लोग आँख के सिम्टम्स के साथ भी आ रहे हैं कि उनको कंजंक्टिवाइटिस हो गया है या आँखों में पेन है, हेडेक है, लेग पेन है। सो थोड़ा वेरिएशन है सिम्टम्स का। जो लक्षण मैंने बताए, अगर ऐसे लक्षण आपको दिख रहे हैं तो आप सबसे पहले अपने आप को आइसोलेट करें घर में, साथ साथ जो आपके फैमिली मेंबर हैं वो भी सोसाइटी से भी अपने आप को आइसोलेट करें, क्योंकि ये वायरस जो है इस बार का बहुत ज़्यादा कंटेजियस है, बहुत जल्दी फैल रहा है। तो घर में अगर कोई पॉजिटिव केस है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जो फैमिली मेंबर्स हैं उसमें भी कुछ लोग पॉजिटिव हों। तो आइसोलेशन अगर हम करेंगे राइट टाइम पे अपने आप को, तो इस वायरस के चेन ऑफ ट्रांसमिशन को हम ब्रेक कर पाएंगे। कुछ इम्पॉर्टेंट पार्ट में इसके क्लिनिकल सिम्टम और ट्रीटमेंट से रिलेटेड भी बताना चाहती हूँ। पहली चीज़ ये कि अगर आपको क्या करना है, अगर आप कोविड जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो जैसा मैंने बताया आइसोलेट करना है। दूसरा, आपको टेम्परेचर चेक करना है अपना, क्योंकि बहुत बारी कोविड के मरीज को थकावट लगती है बट वो टेम्परेचर चेक नहीं करते हैं तो पता नहीं चलता कि उनको बुखार भी है। तो 100 या उससे ऊपर का अगर बुखार आ रहा है तो ये सिग्निफिकेंट टेम्परेचर है, इसको नोट डाउन करें। दिन में 8 घंटे पे चेक करना है। ऑक्सीजन लेवल, जो पल्स ऑक्सीमीटर होता है, छोटी सी डिवाइस आती है, उंगली पे स्टेबल करके लेना है उसको। आप किसी भी सतह पे, पिलो पे, बेड पे, टेबल पे अपने हाथ को रखें और फिंगर में पल्स ऑक्सीमीटर लगाएं, उसमें स्टेबल होने दें, तो प्रॉपर उसमें वेव फॉर्म बनता है, कुछ इस तरह से जिगजैग लाइंस बनती है। उसके बाद ही उसकी रीडिंग को उसको नोट करें कि वो कितना आ रहा है। नॉर्मल लोगों की रीडिंग 95 से ऊपर आती है, अगर उससे नीचे आ रहा है तो या तो आपको पुराने लंग की कोई डिजीज हो तब आ सकता है, या फिर आपका अभी लंग जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। तो इस कंडीशन में आपको ज़रूर किसी मेडिकल हेल्प की सहायता लेनी है। साथ ही साथ अगर आपको बुखार जैसे लक्षण या इनिशियल कोविड के लक्षण भी हैं तो भी आप मेडिकल हेल्प लेंगे, जो आप किसी भी सेंटर से ले सकते हैं वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू, जिससे आपको समय रहते सही इलाज शुरू करे जा सके। और आपको जो अगर कोई हम टेस्ट कराते हैं उसके आपके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग, तो समय रहते जो अगर दवाइयाँ ऊपर की दवाइयाँ भी ज़रूरत है, जो हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है, वो भी समय रहते की जा सके। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट सबको नहीं पड़ती है कोविड में, ये एक मिथ है। हाँ, लेकिन कुछ लोगों को पड़ती है जिनका ऑक्सीजन स्तर गिर रहा होता है, तो ये चीज़ ध्यान रखें। वो स्तर होता है 94 या उससे नीचे। 94 अगर SpO2 94 या उससे नीचे आ रहा है तो वो एक अलर्ट साइन होता है, आपको अपने डॉक्टर से बात करनी है। तो इन सारे प्रिकॉशंस को और इन सारे सिम्टम्स को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो बहुत सारे केसेस ऐसे होंगे, पेशेंट्स ऐसे होंगे जो होम केयर में ही रिकवर कर सकते हैं वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू, डॉक्टर एडवाइस के थ्रू। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी, ऊपर की मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी, वो मेडिकल एडवाइस के थ्रू राइट टाइम पे एडमिट होकर अपना इलाज करवा सकते हैं। तो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ, स्टे होम इफ इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू गो आउट। टेक केयर।